बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कानून का पालन करने वाले ही जब शराब पीने लगे तो क्या होगा। मामला बक्सर का है, जहां दुर्गा पूजा में तैनात एक सिपाही शराब के नशे में चूर था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस विभाग को लगी, अधिकारियों ने जांच के लिए सिपाही को सदर अस्पताल ले गए, जहां सिपाही ने जांच में सहयोग नहीं किया। मिली है कि इस शराब के नशे में वो, आप लोग जांच कर रहे हैं, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि उसको अल्कोहलोमीटर लगाने पर वो कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि पुलिस ने मेडिकल तो करा लिया, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। मामले में रिपोर्ट का साफ नहीं हो पाने से पुलिस के मंशे को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जिस पुलिस के भरोसे नीतीश सरकार शराब को बंद कराने का दावा कर रही है, वो पुलिस खुद ही नशे में डूबकर ड्यूटी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।